आउज़ बिल्लाहि शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 12 आज हमने करना है। इसमें हमने डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर x है, हम लेंगे लॉग दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 की पावर x है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x को log के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये log y इज इक्वल टू log x प्लस 1 आ गया। तो जब हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, अगर हम डेरिवेटिव d ओवर dx log x का लें तो हम उसको लिखे हैं 1 प्लस x, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, log y का लेंगे तो 1 ओवर y और साथ में डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि साथ में हम इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगर वाई हो लॉग वाई तो उसको हम लिखेंगे 1 ओवर वाई साथ में डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये आ गया एक तरफ। तो दूसरी तरफ हमारे पास प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक्स और लॉग दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव सेकेंड वाला वैसे ही, प्लस का साइन फर्स्ट वैसे ही, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है। तो डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी एक्स हमारे पास होता है 1 के इक्वल, तो यहां पर आ गया लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस का साइन एक्स आ गया, साथ में लॉग एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स 1 ओवर y, y से डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू y log x प्लस 1 प्लस x ओवर 1 प्लस x, ठीक है। तो y की हमने वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो जब y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस 1 की पावर x, और साथ में आ जाएगा log x प्लस 1 प्लस x ओवर 1 प्लस x। इसको आप x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 1 प्लस x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 हमारे पास क्या है, उसने हमें दिया है पार्ट नंबर 13 y इज इक्वल टू log x की पावर log x, ठीक है। तो इसमें भी अब हमने डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, log लेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एक तरफ हमारे पास क्या आ गया, log y, और दूसरी तरफ आ गया log log x और पावर log x। तो पावर को हम log के साथ लिख देते हैं, ये देखिए अगर log 1 ओवर 2 हो तो हम उसको लिखते हैं log 1 माइनस log 2, अगर log 1 मल्टीप्लाई 2 हो तो हम उसको लिखते हैं log 1 प्लस log 2। इसी तरह अगर log 1 की पावर x हो तो हम उसको लिखते हैं x log 1, ठीक है। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, log y इज इक्वल टू log x log log x। अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव जब लेंगे, डेरिवेटिव d ओवर dx ऑन बोथ साइड्स, जब हमने डेरिवेटिव d ओवर dx दोनों तरफ लिया तो हमारे पास एक तरफ आ गया log y का डेरिवेटिव 1 ओवर y और साथ में dy वाई ओवर डी एक्स। यहां पर अब हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने बताया है प्रोडक्ट रूल, पावर रूल और क्वेश्चन रूल क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा, प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव log x का सेकेंड वाला वैसे ही, प्लस का साइन फर्स्ट वाला वैसे ही, और साथ में डेरिवेटिव सेकेंड वाले का।
तो अब यहां पर आ जाएगा वन ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर एक्स, साथ में लॉग लॉग एक्स आ गया प्लस का साइन लॉग एक्स, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे लॉग का होता है लॉग वन ओवर एक्स। तो यहां पर लॉग लॉग एक्स है तो हम इसको लिखेंगे वन ओवर लॉग एक्स और साथ में डेरिवेटिव लॉग एक्स का। हमने किस तरह ये लिखा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिया साथ में फिर अंदर वाली इक्वेशन का ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वन ओवर एक्स लॉग लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स ओवर लॉग एक्स और साथ में लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर एक्स, तो लॉग के साथ लॉग कैंसल, हमारे पास आ गया वन ओवर एक्स लॉग लॉग एक्स प्लस वन ओवर एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ है, साथ में वन ओवर वाई, वाई तो डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया वाई वन ओवर एक्स लॉग लॉग एक्स प्लस वन ओवर एक्स, साथ में आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ वाई, हमने y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है log x log x log x की पावर log x, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा log log x प्लस वन, ठीक है, और नीचे हमारे पास आ गया x। तो ये हमारा पार्ट नंबर 13 कंप्लीट हो गया है, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 में भी हमने डेरिवेटिव dy ओवर dx फाइंड करना है, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 14, इसमें हमने डेरिवेटिव dy ओवर dx फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें y के इक्वल उसने हमें पूरी इक्वेशन दी है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर रूट और साथ में x प्लस वन। नीचे अब हम क्या करेंगे, क्यूब है तो हम फार्मूला क्या इस्तेमाल होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है a माइनस b, a का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो इसको अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे, नीचे वाले को आ जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस वन की पावर थ्री ओवर टू, क्योंकि पावर थ्री ओवर टू है, और साथ में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस माइनस वन की पावर थ्री ओवर टू आ गया। इसी तरह ऊपर अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वेयर रूट एक्स प्लस वन का स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट को हम पावर वन ओवर टू लिख सकते हैं, ठीक है, और साथ में हमारे पास है एक्स प्लस वन, और नीचे हमारे पास क्या है एक्स प्लस वन की पावर थ्री ओवर टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये देखें इसकी पावर वन ओवर टू है, इसकी पावर वन है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन की पावर वन ओवर टू प्लस वन, और नीचे हमारे पास है एक्स प्लस वन की पावर थ्री ओवर टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन की पावर थ्री ओवर टू, नीचे हमारे पास है एक्स प्लस वन की पावर थ्री ओवर टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन की पावर थ्री ओवर टू, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये देखें इसके साथ ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ये एक्स प्लस वन की पावर किस तरह बनी, हमने इसके ऊपर फार्मूला लगाया, देखें ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस तरह इस पर जब फार्मूला लगाया तो हमारे पास ये आ गया, हमने प्लस वाले को दोनों को इकट्ठा कर दिया, नीचे वाले के साथ कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर वन ओवर टू, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन की पावर थ्री ओवर टू। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ, और यहां पर अब अप्लाई होगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वेयर, ठीक है, थ्री ओवर टू मल्टीप्लाई टू, नीचे वाला हम ऊपर वैसे ही लिख देंगे
और साथ में डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऊपर वाले का पावर वन ओवर टू माइनस का साइन, ऊपर वाला वैसे ही, और साथ में डेरिवेटिव नीचे वाले का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर थ्री ओवर टू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये टू के साथ टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर थ्री ओवर टू। इस पर जब पावर अप्लाई होगा, देखें अगर हम x माइनस वन की पावर वन ओवर टू है इसका डेरिवेटिव ले, तो यहां पर अब पावर रूल अप्लाई होगा क्योंकि पावर में वन ओवर टू है, तो पावर रूल होता है पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से माइनस वन कर देंगे और साथ में डेरिवेटिव लेंगे उस पूरी इक्वेशन का। तो ये हमारे पास वन ओवर टू एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन ओवर टू आ जाएगा, साथ में वन आ गया क्योंकि डी एक्स ओवर डी एक्स वन के इक्वल होता है, माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो ये हमारे पास 1 ओवर 2 एक्स माइनस वन की पावर 1 ओवर 2 आ गया, इसको हम 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ये होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। इस पर भी अब पावर रूल अप्लाई होगा। ठीक है, पावर रूल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर थ्री ओवर टू है, इस पर पावर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल होता है पावर को पहले लिखेंगे। ठीक है, पावर में से माइनस वन कर देंगे, थ्री ओवर टू माइनस वन, और साथ में डेरिवेटिव उस पूरी इक्वेशन का। तो ये हमारे पास आ गया थ्री ओवर टू, इसका एलसीएम लेंगे टू वन ज़ा टू, तो ये थ्री माइनस टू हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर वन ओवर टू। इसी तरह ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव, इस पर पावर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल होता है पावर को पहले देखेंगे, पावर में से माइनस वन, टू माइनस वन अकेला एक्स आ गया, माइनस वन आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे थ्री ओवर टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर वन ओवर टू, साथ में टू एक्स माइनस वन। अब हमने नीचे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, वन ओवर टू को। ठीक है, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, और नीचे हमारे पास है टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, क्योंकि ये वन ओवर टू लिया, अंदर सिर्फ ये रह गया, देखिए वन ओवर टू प्लस वन होता है हमारे पास थ्री ओवर टू के, तो वन ओवर टू कॉमन ले लिया, अंदर सिर्फ एक रहने दिया। ठीक है, और साथ में माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, और थ्री को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, या इसी तरह रह देंगे थ्री ओवर टू टू एक्स माइनस वन। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर क्यूब। तो ये देखें अब हम क्या करेंगे, इसका जब हम एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर वन ओवर टू, और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस वन, और साथ में थ्री 2x माइनस वन की पावर ओवर टू। इसका ऐसे हम लिया, तो देखें x माइनस वन स्क्वेयर रूट x माइनस वन को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x माइनस वन का स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर होता है, स्क्वेयर के साथ स्क्वेयर रूट कैंसल, तो हमारे पास आ गया x माइनस वन। ठीक है, साथ में ये आ गया, और नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई क्या हो रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन की पावर क्यूब है। ठीक है, तो जब हम ये टू के साथ टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये तो ये देखिए टू के साथ टू कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया ऊपर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर वन ओवर टू। ठीक है, साथ में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस थ्री टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन,
और नीचे हमारे पास क्या आ गया, टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है, और साथ में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर क्यू। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर वन ओवर टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस थ्री एक्स का, थ्री टू सिक्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये थ्री आ गया थ्री एक्स, थ्री थ्री आर नाइन प्लस नाइन एक्स माइनस थ्री, नीचे हमारे पास क्या है टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर क्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर वन ओवर टू, और साथ में जब इसको सिक्स में से वन निकाले तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस टू, नीचे हमारे पास क्या आ गया टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर क्यू। तो ये हमारा पार्ट नंबर फोर। तो अब ये देखें ये ऊपर पॉजिटिव है, नीचे हम इसको ले आएंगे क्योंकि ये दोनों एक जैसी इक्वेशन है, तो हम इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस टू, नीचे हमारे पास है टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का क्यूब है, ठीक है, ऊपर ये पॉजिटिव है, नीचे आकर ये नेगेटिव हो जाएगी तो माइनस वन ओवर टू आ गया। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस टू, नीचे हमारे पास है टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, इसका एलसीएम लेंगे थ्री टू जार सिक्स, सिक्स में से एक निकाले तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, थ्री टू जार सिक्स सिक्स माइनस वन फाइव ओवर टू आ गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़।